कल हमने देखा कि मुल्क कीर हड़ताल थी शटर डाउन हड़ताल थी और लोगों ने अपने कारोबार जो है वो बंद किए सिंबॉलिकली ये दिखाने के लिए कि इस तरह से काम ज़्यादा देर नहीं चल सकता जो बिजली के बेनतहा बेल्स और सारी सूरत हाल आपको इस सूरत हाल ये किस तरफ जाती नज़र आ रही है क्या आवाम के लिए कोई उम्मीद की किरण है या आवाम तैयार हो जाए कि इसहाक डार साहब जो टाइम बॉम लगा गए हैं यहाँ पे अब बस उसके फटने का इंतजार करें बहुत शुक्रिया आपका बात देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी इकनॉमिक तबाही के अंदर तो मुख्तल जितनी भी पार्टीज आती रही हैं उन्होंने अपना है। अपना हिस्सा डाला है हर हर पार्टी ने अपना हिस्सा डाला है और उसकी बुनियादी वजह इनकम्पिटेंसी थी हकाए को ना समझना मामला को ना समझना और वो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर जो इकनॉमिक्स की जिस तरीके से हमारी इकनॉमिक्स रन करती है वो हमारी इकनॉमिक्स जो है अमरीक या यूरोप की तरह रन नहीं करती लेकिन हमारा मसला ये है कि जब भी हम इसके डॉक्टर बुलाते हैं तो वो बाहर से मिलवाते हैं पहले हम वो डॉक्टर वाफी शेख साहब आए जो वर्ल्ड बैंक से आए उन्होंने आपके देखा वो एक और तोहफा लिया है स्टेट बैंक का गवर्नर बाकर रजा जिसने डॉलर को बढ़ाना शुरू किया और रुपये को गिराना शुरू किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया वो एक अपनी एक वो दे गए उसके बाद शोक जो एक नाकाम बैंकर था उसको लिया है उसके बाद फिर आप ये देखिए और उसका पीटीआई को नुकसान ये हुआ कि महंगाई बढ़ी आपको मालूम है उनका ग्राफ काफ़ी गिर गिर चुका था वो ख़ुद भी मानते हैं इस बात को लेकिन उसके बाद जो हालात हुए जिस तरीके से जो जब ये पी की जो सोलह महीने की गवर्नमेंट है इन्होंने बिल्कुल ये तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके और उसके बाद जो अब जो नई सूरत हाल अब आ रही है अब सूरत आल मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है ख़तरनाक इसलिए आ रही है कि मैं भी कुछ अर्सा जैसे ही हमारी मुझे जो मु, हमारी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जो शमशाद बानो साहब आई हैं जैसे ही आई थी तो मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था कि ये भी वर्ल्ड बैंक से आई एम एफ और इन सारे इदारों के साथ इनका कनेक्शन रहा है और वो अमेरिका की पी एच डी है वगैरह वगैरह जो भी हमारे यहाँ होता है वो शायद उसी क्रेडेंशियल को देखते हुए इनको लाया गया कि इनका या मैपिक है काबिलियत पे शक है नहीं काबिलियत की बात नहीं काबिलियत की मैं बात नहीं करता पाकिस्तान में काबिलियत की अपनी एक एक, एक होती हर जगह की अपनी काबिलियत होती है मतलब यह है कि आप एक आदमी को जो है वो डॉक्टर को इंजीनियर की सीट पर बैठा दें